हेलो व्यूवर्स, आज हम साउथ इंडियन हेयर स्टाइल देखेंगे, डबल पफ हेयर ब्रेड। तो उसके लिए मैंने अच्छे से बाल को कोम कर लिया है, डिटेंगल कर लिया है, एक मांग निकाल दिया है, बालों में एक पार्टीशन निकाल दें छोटा सा। अब हम यहाँ से थोड़े बाल को ऐसे कोम करके हाथ में ऐसे पकड़ेंगे। डबल पफ हेयर ब्रेड बनाने के लिए एक व्यूवर ने मुझे कमेंट किया था, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। अब हम यहाँ पे बाल को थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करेंगे दो या तीन बार और यहाँ पे पिन लगा देंगे। इधर की ओर भी हम ऐसे ही कॉम करेंगे और सेम इक्वली जैसे उधर लिया था इधर भी वैसे ही लेंगे। यहाँ भी ऐसे ही ट्विस्ट कर देते हैं और एक पिन लगा देते हैं। दो तरफ हमने इक्वली क्लिप्स को लगा दिया है। अब यहाँ पे हम चोटी को 3 स्ट्रैंड्स में डिवाइड करेंगे और एक नॉर्मल सी चोटी गुनेंगे, लेकिन लूज गुनेंगे। ये छोटी सैरीज एंड हाफ सैरीज पर अच्छी लगती है। साउथ इंडियन ऐसी वाली छोटी डालने के बाद में उसे फूलों से सजाते हैं। इस छोटी को हम लॉन्ग हेयर में और मीडियम हेयर में बना सकते हैं। अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो आप हेयर एक्सटेंशन का चुटले का यूज़ करें। नीचे हम ऐसे क्लिप लगा देंगे या पिन लगा दें या कोई रबर बैंड लगा दें और बाल को ऐसे नीचे राउंड घुमा दें, उससे अच्छा लगता है। आप चाहे तो यहाँ पे मांग का टीका भी लगा सकते हैं। सिंपल हेयर स्टाइल है लेकिन अच्छा लगता है, आगे से ये कुछ ऐसा लगता है। अब हम इस चोटी को खोल देंगे क्योंकि एक और हेयर स्टाइल देखेंगे हम। इस चोटी को मैंने लूज गुना था इसलिए मैंने खोल दिया है। अब हम यहाँ पे टाइट चोटी गुनेंगे। चोटी को हम एंड तक गुन देंगे। ये हेयर स्टाइल मैं आज नॉन ऑयली हेयर में बना रही हूँ, आप चाहे तो ऑयली हेयर में बनाएं। यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे ऐसे और एक इलास्टिक लगा देंगे। यहाँ पे हम चोटी को ऐसे पकड़ेंगे, चोटी को ऐसे इसके गोल ले जाएंगे और इसे घुमा देंगे बस। यहाँ पे हम अब यू पिन लगा देंगे। तो व्यूवर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।